हेलो फ्रेंड्स, 2021 का एक नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी M32 मोबाइल। तो इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐप को हाइड कैसे किया जाता है। वो दोस्तों कोई सी भी ऐप हो, किसी भी ऐप को आप हाइड कर सकते हो बड़ी ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे ऐप को हाइड किया जाएगा। तो आप लोगों को सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन होने के बाद स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए होम स्क्रीन का दोस्तों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए हाइड ऐप्स का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों इस ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सारे ऐप्स आ जाएंगे, जितने भी ऐप्स आप लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल हैं। तो दोस्तों जिस एप्लीकेशन को आप लोगों को हाइड करना है वो एप्लीकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं एग्जांपल के लिए दोस्तों फ़ोन डायलर को हाइड करूँगा। तो दोस्तों ये रहा, इस पर मैंने टिक लगा दिया। और पेटीएम को हाइड करूँगा, पेटीएम पे मैंने टिक लगा दिया। उसके बाद नीचे की तरफ डन का ऑप्शन आएगा, डन के ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये जो है सक्सेसफुली ऐप हाइड हो चुके हैं। मैं आप लोगों को बैक करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों कहीं भी पेटीएम और डायलर हमको नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों ये तो रही बात ऐप हाइड करने की। अगर आप लोगों का मन हुआ चलाने का तो चलाएंगे कैसे, यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर की तरफ, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपने ऐप हाइड किया है उसका दोस्तों नाम आप लोगों को लिखना है। तो दोस्तों मैंने पेटीएम हाइड किया था, तो दोस्तों मैं पी बना देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हाइड वाली ऐप आ गई है। तो इस पर मैं क्लिक करके ऐप को चला सकता हूँ बड़ी ही आसान तरीके से। अगर वीडियो मेरा आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में।